आखिरकार उड़ीसा सरकार ने सिखां दीआं भावनावां दी कदर करदिआं गुरद्वारा मंगू मठ ते वड्डा फैसला लिया। ऐलान दे मुताबक गुरद्वारा मंगू मठ नूं मुड़ तों उसे स्थान ते उसारिआ जावेगा। बौली साहब दी सुंदरता नूं प्रफुल्लित कीता जावेगा। इस तों इलावा पंजाबी मठ दी जगह ते यात्री निवास बनाउण नूं वी प्रवानगी दित्ती गई है। इस सब बारे लोक इंसाफ पार्टी दे मुखी सिमरजीत सिंह बैंस ने खुलासा कीता। असीं भुवनेश्वर दे एयरपोर्ट दे उत्ते वापस दिल्ली वास्ते चले हैं, जिहड़े मकसद लई गुरु साहब की कृपा तुहाडे हुकम असीं पुरी गए सी। मंगू मठ स्थान जिथे ढाया गया, जितने असीं पुरी मंगू मठ गए हाँ, तो महसूस हुंदा सी कि एक बहुत वड्डा चैलेंजिंग एक बहुत वड्डा काम हैगा सरकार दे नाल टाकरा। साडे वर्गे बंदियां दी कोई औकात जुरत नहीं कि असी इन्ने वड्डे पावरफुल वड्डियां सरकारां दे नाल कोई टाकरा। ये तुहाडियां दुआवां ते गुरु साहब दी पार बख्शिश थोड़े नाल मैं खुशी सांझी करन लग्या। अज कल साडी सवेरे गवर्नर साहब नाल मीटिंग हुई, उस तों बाद दे विच असी एक रोस मार्च करके धरना दिता। अज सूबे दे उड़ीसा सूबे दे होम मिनिस्टर पुरी तो MLA ते जिहड़े इन्हां दे प्रिंसीपल सकत्तर PWD उन्हां दे नाल साडी सवेरे मीटिंग सीगी 10:30 बजे। एंड मैनू इस गल की बेहद प्रसन्नता खुशी तुहाडे नाल सांझी करके बड़ा मन गदगद आ। लंबी मीटिंग तो बाद विचार वटांदरे तो बाद पूरे मीडिया प्रेस की हाजिरी के होम मिनिस्टर साहब उस एरिए रूलिंग पार्टी के MLA जिहड़े उस कमेटी के मैंबर भी है ते प्रिंसीपल सकत्तर PWD एंड सैकटरी जगन्नाथपुरी मंदिर उत्थे दे हैड हैगे आ जिहड़े IAS नाल अटैच कीते आ। फैसला लिया उड़ीसा सरकार ने, मैं ऋणी हाँ ये तुहाडियां दुआवां दे बलबूते दे तुसीं हुक्म लाए सी। जिथों गुरद्वारा मंगू मठ साहब गिराया गया उस स्थान के उत्ते उड़ीसा सरकार एक सुंदर गुरद्वारे की तमीर करके देगी। नंबर दूसरा बौली साहब जिन्हें बौली मठ भी कह देते, इतने गुरु नानक साहब ने अपने कर कमलों के नाल एक मिठे पानी की बौली दी, क्योंकि बाकी पानी सारा खारा, उन्होंने गिराया नहीं जाएगा, उन्होंने होर ब्यूटीफुल करने वास्ते सुंदर करने वास्ते भी इतने काम किया जाए। तीसरा नंबर हैगा नानक मठ जिन्हें हुण पंजाबी मठ कह देंगे। असी अगले हफ्ते फिर एक मीटिंग होनी है, दोबारा आवेंगे उत्थे यात्रुओं के रहने वास्ते, क्योंकि 12 एकड़ जगह जिथे किसी वेले महाराजा रणजीत सिंह नहिंग सिंघां दी छौणी समेत आए, उन्होंने कार सेवा की जगन्नाथ मंदिर के पछमी द्वार की एंड इस नानक मठ के कमरिया की भी सेवा की, यात्रुओं के ठहरवा अति सुंदर। सो तीन मंगा सीगियां, वो तिने मंगा जिहड़ियां सरकार ने प्रवान कीतियां ने, मैं तुहानू वधाई देना चाहुंदा। असी 2-3 दिन तो इत्थे आए हुए सी एंड मैं फिर कहूँगा कि आउं लगता सी काम बहुत वड्डा। एक पासे उड़ीसा सरकार हैगी आ, साडियां भावनावां सिख कौम दीआं, तुसीं अपनियां भावनावां दा प्रगटावा कीता, साडी ड्यूटी लाई, असीं इत्थे आए। आउं लगता सी कि बहुत वड्डा काल, साडी औकात नहीं सी, जुरत नहीं सी। बाबे नानक दी अपार कृपा बख्शिश ते तुहाडे हुकम जिहड़े तुहाडियां दुआवां सहित ओह अज पूर्ण होए है। सो मेरी एक सारिआं नूं जिथे खुशखबरी दसण दा मन गदगद आ, उत्थे एक सनिमर बेनती है। दोस्तों आपां हर साल हेमकुंड साहब अपने परिवार समेत, कोई हजूर साहब, पटना साहिब, ननकाणा साहिब, एक अपने प्रोग्राम दे विच इस कोरीडोर के उत्ते बहुत सारे गुरु नानक साहब के इतिहासक स्थान जिथे जगन्नाथपुरी जिथे सामने बैठ के उन्होंने आरती का उच्चारण किया, जिहड़ी जगह ते हुण उड़ीसा की गवर्नमेंट ने गुरद्वारा आरती साहब उसारण दा मीडिया प्रेस की हाजिरी के फैसला लिया। तुसीं भी एक साल के एक टूर अपने बच्चों समेत इस महान धार्मिक पवित्र अस्थान के उत्ते दोस्तों जरूर आना सारे ने। तो मेरी थोनों बेनती भी है एंड मैं फिर थोड़ा धन्यवाद गुरु साहब का, गुरु नानक साहब का बहुत बहुत सिर नीवा करके शुक्रिया जिन्होंने ये सारा कार्य आप किया। मैं फिर कहूँगा साडे वर्गियां की कोई औकात जरूरत नहीं सी, बहुत बहुत मुबारक ये कार्य जिहड़ा इत्थे तक निपे, जिहड़ा गुरु साहब कृपा कर अति सुंदर स्थान जिथे उन्होंने आरती का उच्चारण किया उसे गुरु घर जो अज उड़ीसा की गवर्नमेंट ने प्रोमिस किया। असी कहा कि भी श्रोमणी कमेटी को बेनती कर लवेंगे जा कहते, कोई जरूरत नहीं है, ये असी सरकार वालों अति सुंदर थोड़े नाल बैठ के नक्शा भी डिस्कस करा फिर वो तुहानू गुरद्वारा साहब संगत के हवाले कौम के हवाले होगा। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना
और धन्यवाद थोड़ा सारिया का, गुरु चढ़दियां कलां बख्शिश करे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। दस दिए कि हाल ही विच श्री गुरु नानक साहब जी दे चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा मंगू मठ नूं टैटेरी कर दिता गया सी, जिस कारण सिख जगत विच रोस दी लहर सी। बैंस ने सिख संगठनां नूं नाल लैके बीते दिन भुवनेश्वर के विधानसभा चौंक विच धरना मारिया सी अते सरकार अगे तीन मंगा रखिया सन, जिस तों बाद उड़ीसा के राजपाल ने मंगा ते गौर करन दा भरोसा दिता। खैर हुण सिख संगतां दी मंग नूं बूर पिया ते जल्द ही टैटेरी किते मंगू मठ दी मुड़ तों उसारी कीती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।